शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई और रिलीज होते ही फिल्म ने तहलका मचा दिया। पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए धमाकेदार ओपनिंग की। बता दें कि फिल्म पठान को दुनिया भर में 8000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जिसमें 5500 स्क्रीन भारत और 2500 स्क्रीन विदेश में मिली है। दुनिया भर में फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। पहले दिन 55 करोड़ की कमाई कर शाहरुख की फिल्म ने इतिहास रच दिया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 70 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं बात करें दूसरे दिन की तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदेश के मुताबिक रात को 10 बजे तक फिल्म ने 31 करोड़ रुपए कमा लिए थे। कुल मिलाकर कहें तो फिल्म ने दो ही दिनों में 125 से 129 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। पहले ही दिन फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि फिल्म जीरो के बाद शाहरुख खान 4 साल बाद पठान में नजर आए हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले खूब सारा विवाद भी हो रहा था। लोगों ने फिल्म को बायकॉट करने की भी मांग की थी, लेकिन कलेक्शन देखने के बाद लग रहा है कि मामला उल्टा ही पड़ गया है। पठान में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा भी मुख्य भूमिका में हैं।